हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? आप लोग ठीक होंगे। मैं 12 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। अब बनाऊँगी खाना। चावल तो हो चुका है, अब मैं बनाऊँगी सब्जी। अब मैं बनाऊंगी अंडा करी। देखिए गाइस, मैंने कढ़ाई बसा दिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। देखिए मैं कैसे करके बनाती हूँ अंडा करी। अंडा करी बनाऊंगी। मैंने यहाँ सब रेडी कर लिया है। यहाँ है 3 अंडा और ये आलू, ये प्याज, ये टमाटर, ये मिर्ची और यहाँ पर हल्दी और क्या बोलते हैं चिल्ली पाउडर और नमक का घोल है। ये मैं इसे करके बनाती हूँ और मैं कुछ भी मसाला नहीं डालती हूँ। बस इतना में से मैं बनाऊँगी और देती हूँ अंडा फ्राई होने के लिए। अंडा फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं अंडा फ्राई हो गया है। ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस इतने ही तक। और यहाँ पर मैं प्याज दे देंगे। प्याज डाल के प्याज को थोड़ा लाल होने तक भूनेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं इसको लाल होने तक भूनेंगे। देखिए यहाँ टमाटर प्याज लाल हो गया। अब मैं दे रहा हूँ घोल। इसमें खाली चिल्ली पाउडर, हल्दी और नमक दे के बनाएँ। अब इसके साथ साथ दे दूँगी मैं हरा मिर्ची और टमाटर। इसके साथ में देखिए भून लेंगे इसको अच्छे से। अच्छा भुनाएंगे और भुनने के बाद देखिए गलने देखिए, फिर बाद में दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसको थोड़ा सा टमाटर को गलने देते हैं, फिर बाद में डालेंगे आलू। अभी ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए गाइस, आप पूरा पानी खत्म हो गया। इसमें डालेंगे आलू। देखिए आलू डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे। अभी टमाटर गल चुका है, इसको थोड़ा सा मिसेंगे इसको बनाएंगे। देखिए लगा कैसे लगा आलू। देखिए गाइस, हाँ हो गया है अंडा करी। अब डाल देते हैं अंडा और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बस हो गया अंडा करी। देखिए आप लोगों को कैसे लगा बोलिएगा अंडा करी मेरा। देखिए हो गया ना। अंडा करी मैं ऐसे करके बनाती हूँ अंडा करी। बस आज के लिए ख़त्म। और गाइस, मेरा अंडा करी बन गया, मेरा सब्जी बन गया। आप बाय बाय, आज के लिए इतना ही। देखिए बाहर अच्छा लगा। इधर में बहुत अच्छा सीनरी है। देखिए तो आज के लिए बाय।
मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और मेरे को सपोर्ट करिएगा। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।